जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक गुरता गद्दी उत्ते सुभायमान दस पातशाहियां दी आत्मक जोत सर्व मानवता दे मार्गदर्शक बाणी गुरु शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी आओ बड़े अदब सत्कार सहित सतगुरां दे चरणां विच सीस झुकाउंदे होए बुलंद आवाज विच गुरफते दी सांझ करिए वाहेगुरु जी का खालसा। धन्यवाद है भाई तवनीत सिंह जी चंडीगढ़ वालों का, गुरु साहब की बड़ी अपार बख्शिश है भाई साहब से। संगत जी साढ़े विच सिख कौम की मायनाज शख्सियत जिन्हां ते धन गुरु रामदास पातशाह जी की अपार बख्शिश है रहमत है और जिन्होंने गुरु साहब जी ने बेअंत मान सत्कार वडियाई बख्शी है। मेरी मुराद पंथ के महान कीर्तनीए श्रोमणी रागी भाई रविंदर सिंह जी हजूरी कीर्तनीए सचखंड श्री हरिमंदर साहब साढ़े विच विराजमान ने। मैं भाई साहब जी नूं गुरु खालसा सेवक जत्थे वालों यमुनानगर इलाके दियां समूह संगतां वालों रोम रोम राही जी आयां नूं आखदा। संगत जी जिहड़ी संगत भाई रविंदर सिंह जी नूं प्यार करती है ना उन्हां दे मन विच बड़ी क्यूरियोसिटी रहिंदी है कि भाई साहब जी का जो कीर्तनी जीवन है उहदे बारे जानीए। सो मैं संखेप दे विच भाई साहब जी का जो कीर्तनी जीवन है आप जी दे नाल सांझा करांगा। भाई रविंदर सिंह जी का जन्म सन 1968 पिता ज्ञानी सतनाम सिंह जी अते माता इंदरजीत कौर जी के ग्रह जलंधर विखे होया। भाई साहब जी के सत्कारयोग पिता जी स्वर्गवासी ज्ञानी सतनाम सिंह जी जिन्होंने बड़ा लंबा समा फौज विच रह के देश की सेवा की जिथे भाई साहब जी के पिता जी आप भी विद्वान सन उथे उन्हों का एक सुपना सी इच्छा सी कि मेरा बच्चा धन गुरु रामदास पिता जी के दर का कीर्तनिया बने। भाई साहब जी के सत्कारयोग पिता जी होर पंथ की बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत पिंगलवाड़ा के बाणी अते सेवा दे पुंज भगत पूरन सिंह जी होर अथाह प्यार सी। भाई साहब जी के सत्कारयोग पिता जी ने एक दिन भाई साहब जी नूं भगत पूरन सिंह जी को लैके गए और उन्होंने भगत पूरन सिंह जी नूं बेनती की, कहन लगे भगत जी मैं अपने बच्चे नूं धन गुरु रामदास पिता जी के दर का कीर्तनिया बनाना चाहता, तुसी असीस भी बख्शो और सानू राह भी पाओ। भगत जी ने उसी समय भाई साहब जी ते इन्हां दे सत्कारयोग पिता जी नूं शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन गुरमत संगीत दा विद्यालय उत्थे लैके गए। उत्थों के प्रिंसीपल सरदार प्रकाश सिंह जी के नाल गल की, उन्होंने आख्या कि प्रिंसीपल साहब असी भाई साहब जी नूं इत्थों गुरु रामदास जी के दर का कीर्तनिया बनाना है। प्रिंसीपल साहब ने भाई साहब जी की इंटरव्यू ली और भाई साहब जी ने उत्थे दाखला दिता। सन 1983 तो लैके 1985 तक भाई साहब जी ने शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर तो प्रोफेसर अवतार सिंह जी नाज जिन्हां दे अज हज़ारा ही शागिर्द ने पंथ के महान कीर्तनीए भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले भाई निर्मल सिंह जी खालसा वह भी उन्होंने शागिर्द हैं उन्होंने तो कीर्तन की सिक्ख्या प्राप्त की। 1985 दे विच गुरु साहब जी ने भाई साहब जी नूं तकरीबन 1.5 साल वास्ते गुरद्वारा सिंह सभा फिरोजपुर विखे कीर्तन राही आप संगतां दी सेवा करन दा सुभाग दिता। लेकिन भाई साहब जी दे मन विच हमेशा एक इच्छा सी और हमेशा ही गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करदे सी कि किथे गुरु रामदास जी तरस करन अपने दर ते एक शब्द पढ़न दा मौका दे देन। सतगुरां ने भी बड़े नेड़े होके अरदास सुनी और उस पावन मुकद्दस स्थान जिठे सबे थाम नहीं तुद जेहा बद्दो पुरख विधाते ता तू सोहया, उस पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब की सेवा भाई साहब जी नूं जदों भाई साहब जी की उम्र केवल 19 साल की सीगी अपने स्थान ते हजूरी कीर्तने की सेवा बख्शी। संगत जी जिथे अज हर कीर्तनीए का सुपना आंदा है ना कि मैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे कीर्तन की हाजरी भरा, उत्थे भाई साहब जी दे गुरु रामदास जी की पार बख्शिश है। भाई साहब जी नूं पिछले 37 सालों तो आप संगतां दी गुरबाणी कीर्तन राही सेवा कर रहे हैं, बड़े माण वाली गल है। भाई साहब जी नूं तकरीबन 35 तो 40 कंट्री विच जाके संगतां दी गुरबाणी कीर्तन राही सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया, जिथे भाई रविंदर सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के वाहद ऐसे कीर्ति हैं जिन्हां नूं हर उम्र का व्यक्ति चाहे वह बुजुर्ग हैं नौजवान हैं बच्चे हैं हर उम्र का व्यक्ति भाई साहब जी का कीर्तन बड़े चाह नाल सुनता है। जदों भाई साहब जी ने 1987 के
श्री हरिमंदर साहब विखे सेवा शुरू की। उतों की संगत ने हमेशा भाई साहब जी जदों कीर्तन की हाजरी भरन जाना उन्होंने बेनती करनी, भाई साहब जी तुदबाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया, ये शब्द सुनाना। और भाई साहब जी द्वारा गायन किए गए शब्द की पहली कैसेट जिसका टाइटल सी हर हट भी तू तू करे बोले भली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार। ये शब्द की कैसेट मार्केट में रिलीज की गई और उस तो बाद भाई रविंदर सिंह जी वर्ल्ड की सिख संगत ने अथाह प्यार बख्शिया। अज भाई साहब के नाल जथे विच साथ दे रहे हैं भाई गुरदेव सिंह जी जिन्हां ते भी धन गुरु रामदास पातशाह की पार बख्शिश है बड़े सुरीले कीतने हैं। और तबले ते संगत कर रहे ने साडे सत्कारयोग भाई हरप्रीत सिंह जी जिन्हां नूं असीं प्यार नाल भगत जी भी कहिंदे आ। संगत जी भाई हरप्रीत सिंह भगत जी साडे अत सत्कारयोग श्रोमणी रागी सिख रतन भाई गुरमेज सिंह जी साबका हजूरी कीर्तनीए दे सपुत्र भी हन। सो साडी गुरु रामदास जी दे चरणां च अरदास बेनती कि गुरु साहब हमेशा भाई साहब जी नूं चढ़दी कला सेहत याबी ते बल बख्शन ताकि इसी तरह आप संगतां दी गुरबाणी कीर्तन लई सेवा करते रहन। हुण मैं बेनती करांगा भाई साहब जी नूं ठीक 9:35 तक आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन लई निहाल करनगे। उस तो उपरंत भाई तवनीत सिंह जी दे इक शब्द दी हाजरी ते आनंद साहब दा गायन करनगे। इन्हां शब्दां दे नाल मैं खीमा दा जाचक हां जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।